तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष अपने इस चैनल एवरीडे फोकस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, एमपी एनएचएम भर्ती 2019 में जो 1000 पदों पर भर्ती निकाली गई है उसमें दोस्तों देखेंगे सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है और मेरिट कितना जाएगा, तो पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो डेली टू डेली लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और एक बार वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, मेरिट कितना है, बिल्कुल ऑफिशियली देखेंगे। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि सबसे अच्छी खुशखबरी इसमें फीमेल के लिए है। ये भर्ती पूरी पूरी भर्ती जो है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका सिलेबस है दोस्तों, द एग्जाम पैटर्न विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो दोस्तों आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन रहेगा, इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन राइट रहेगा, तो आपको चूज करना रहेगा। और दोस्तों देयर विल बी 100 मल्टीपल चूज क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। तो 2 घंटा यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक, जी हाँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्यारे फ्रेंड्स, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वह है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 33 मार्क्स, यानी आपको 100 में 33 नंबर लाना अनिवार्य है तभी आप क्वालिफाई करोगे मेरिट के लिए, ठीक है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 30 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है 100 में क्वालिफाई के लिए, और एससी एसटी के लिए 24 मार्क्स लाना अनिवार्य है क्वालिफाई के लिए। अब दोस्तों आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा मेरिट के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरिट जो जाएगी इसकी इसकी मेरिट दोस्तों 70+ जाएगी, 100%। आप लोग एक्यूरेट करिए कि 70+ नंबर आप लोग स्कोर करिए क्योंकि दोस्तों इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। जी हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी है प्यारे दोस्तों, एमपी एनएचएम सीएचओ के लिए जो भर्ती निकाली गई है 1015 पदों पर, उसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है दोस्तों, मात्र 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा और निगेटिव मार्क्स बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके साथ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, 33% मार्क्स लाना है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई है तो आप लोग क्वालिफाई जरूर करोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कोई भी, चाहे आप जनरल कैटेगरी हो, चाहे आप एससी एसटी हो, चाहे आप ओबीसी हो, अगर मेरी बात मानोगे तो आप लोग पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। 70+ मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, 70 से ऊपर आप लोगों को लाना है तो लाना है, अगर आप लोग 70 से नीचे लाओगे तो मुझे लगता है कि मेरिट से आप लोग हट सकते हो। तो अगर मेरिट में आपको आना है, ठीक है, मेरिट के लिए आना है तो 70+ स्कोर करिए और अच्छे से जितना हो सके नंबर लाइए क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है और ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। मैं अभी सिलेबस आपका चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों सिलेबस देख सकते हो, नंबर 1 मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फर्स्ट एड, ये सब दोस्तों आपका सिलेबस है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सिलेबस देख लो, इसी से ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे से अच्छा इसको पढ़ लोगे तो आपकी 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रखे हो, जीएनएम कर रखे हो, तो आपको मालूम होगा कि इसमें कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ के इसमें से ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें से ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ई बुक लेना चाहते हो, इसका पूरा सिलेबस का जो ई बुक लेना चाह रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर ई बुक को परचेस कर सकते हो। आपको ई बुक मात्र 40 रुपये में मिल रहा है, तो जाके आप लोग ई बुक को ले सकते हो। तो अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम है एमपी एनएचएम सीएचओ से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ज़रूर कमेंट करिए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।